हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे चॉकलेट गार्निश, वो भी ये मोल्ड से। और ये जो मोल्ड है वो आपको जहाँ पे बेकिंग आइटम मिलती है वहाँ से भी मिल जाएगा। अब हम कंपाउंड मेल्ट कर लेंगे। आप डबल बॉयलर में भी कर सकते हो और माइक्रोवेव में भी कर सकते हो। हाफ मोल्ड में मैंने कंपाउंड पोर कर दिया है और उसके बाद जिस तरीके से मैंने दिखाया उसी तरीके से आपको लॉक करना है और उसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमें घुमाते रहना है अपने हाथों से, जिससे हमारा मेल्टेड कंपाउंड कहीं एक जगह पे ठहर ना जाए, सभी जगह इक्वली लग जाए। तो कम से कम 4 से 5 मिनट तक जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको उसे घुमाते रहना है और उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रख देना है। इसी तरह हम बाकी के मोल्ड में भी कंपाउंड भर लेंगे और सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ये प्रोसीजर मैं कर रही थी तो बीच में हमारा अफ्रीकन ग्रे आ गया, जिसे मेरे पास आना था। मेरी एक और भी चैनल है अपनास एक्जोटिक बर्ड, जिसमें मैं मेरे बर्ड को भी दिखाती हूँ। वो सभी हैंडीकैप है तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सभी मोल्ड भर लिए हैं कंपाउंड से और ये सबसे छोटा मोल्ड है और मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट नॉर्मल फ्रिज में ही रखा है। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप डीप फ्रीजर में 6 से 7 मिनट रख सकते हैं। ये देखिए, कंपाउंड सेट हो गया है और मैं अभी इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। सभी साइड से हमें पहले धीरे धीरे खोलना है और फिर हमें पूरा मोल्ड निकाल देना है। मैंने सारे कंपाउंड चॉकलेट को डीमोल्ड कर दिया है और फिर मैंने ऊपर से कॉपर डस्ट लगाई है। यहाँ पे मैंने डमी केक यूज़ किया है। अभी इसी डमी पे मैं अपना गार्निश सेट करूँगी और यहाँ पे ये मैंने आर्टिफिशियल डेकोरेशन भी यूज़ किया है, जिसे मैंने अपने चॉकलेट गार्निश के साथ लगा दिया है।